सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है भाइयों आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश और अतिथि शिक्षकों के मानदेय को लेकर आ गया है आदेश। ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, कई महीनों से अतिथि शिक्षकों के लिए नहीं मिला है मानदेय। आनंद फानंद में लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश जारी हुआ था, जिसमें बताया गया था कि फरवरी तक का मानदेय अतिथि शिक्षकों के लिए दिया जाए। जिनका नाम पोर्टल पर नहीं चढ़ा है उनकी ऑफलाइन व्यवस्था की जाए। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने बाबूजी से बात की कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय मार्च अप्रैल का कब मिलेगा, तो उन्होंने कहा सर बजट ही नहीं है, हमने हमारी पूरी प्रोसेसिंग कर दी है और बजट ऊपर से जब आएगा तब अतिथि शिक्षकों का मानदेय मार्च अप्रैल का दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9/5/2023 का ऑफिशियल अपडेट है, क्रमांक है 2023 प्रतीय संकुल समस्त संकुल प्राचार्य समस्त जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश, यानी ए निवाड़ी जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त संकुलों के लिए ये आदेश है। और यहाँ पर मांग की गई है अतिथि शिक्षकों के मानदेय एवं अध्यापक संवर्ग के सातवें वेतन मान की चौथी किस्त के संबंध में। दोस्तों बड़ा अपडेट है, और निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, अतिथि शिक्षक काफ़ी ईमानदार कर्मठ और लगनशील हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा से मिले हैं निवाड़ी जिले के अतिथि शिक्षक और लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, अड़े रहेंगे और जब तक अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं हो जाता। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर इस अपडेट को देखिएगा, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि जिन अतिथि शिक्षकों को गत सत्र का मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है, प्रातः काल उनका मानदेय भुगतान करें। किसी भी अतिथि शिक्षक का मानदेय शेष नहीं रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त अध्यापक संवर्ग की सातवें वेतन मान की चौथी किस्त भी तत्काल जारी करें तथा उक्त संबंध में कार्य पूर्ण होने का प्रमाणीकरण 3 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। और यहां पर जिला शिक्षा अधिकारी के सिग्नेचर, नीचे ऑफिशियल डेट और जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश, दिनांक है 9/5/2023, कलेक्टर जिला निवाड़ी की ओर से सूचनार्थ है, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग सागर की ओर से सूचनार्थ, विकासखंड शिक्षा अधिकारी निवाड़ी पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी की ओर से सूचनार्थ एवं पालनाथ जिला शिक्षा अधिकारी जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। बहुत से भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे सर लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं हो रही है, क्यों आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहे हैं। बताना चाहता हूं कल लाइव स्ट्रीम होगी, 2 से 3 घंटे पहले कम्युनिटी टैब आपके लिए डाल दूंगा, जिससे कि आपको मैं टाइम बता दूंगा कि कितने बजे लाइव आने वाला हूँ। सभी आप ऑनलाइन रहें भाइयों, और जो भी जिसकी परेशानी है बताए, शेयर करें कमेंट्स के माध्यम से। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो हजारों अतिथि शिक्षकों को पता भी चलता है, जिससे आपका सॉल्यूशन बड़ी आसानी से हो जाता है। बात जब एक से दूसरे को पता चलती है तो उसका हल जल्दी निकल आता है। इसलिए अपनी अपनी पीड़ा, अगर किसी अतिथि शिक्षक को मानदेय नहीं मिला है, कौन से ज़िले में मानदेय मिल चुका है, कौन से में नहीं मिला है, सारी बातें कमेंट्स के माध्यम से लिखें। तो आप सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, आप सभी को जय श्री।